आज सरस्वती शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज दामोदर नगर कानपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर व नेत्र प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महेश त्रिवेदी विधायक व विशिष्ट अतिथि लॉयन अमिताभ तिवारी, उपमंडल अध्यक्ष प्रथम पीडीजी लॉयन श्री गोपाल तुलसियान व प्रबंधक ओम प्रकाश अग्रवाल रीजनल चेयरपर्सन लॉयंस क्लब और प्रधानाचार्य रत्नेश अवस्थी उपस्थित रहे। साथ ही साथ आदित्य पोदार जी और तमाम मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए और सौजन्य रहा न्यू लीलामणि हॉस्पिटल एवं आरके मेमोरियल आई हॉस्पिटल का, जिन्होंने वहां के बच्चों को देखा, स्कूल के बच्चों को देख के उनको जो भी दिक्कतें हुई उनको बताया, दवाई और आगे इलाज के लिए भी उनको सलाह दी। देखिए ये खास रिपोर्ट कानपुर से। प्रांगण में आए हुए हमारे सभी अतिथियों का परिचय देने का कार्य दिया गया है। सर्वप्रथम हमारे वाइस गवर्नर लायंस क्लब के श्री अमिताभ तिवारी, उनका सम्मान किया जाए। उनके सम्मान करने के लिए आदित्य पोदार जी को कहेंगे, उनको माला पहना करके उनका सम्मान करें। उनका सम्मान करने के लिए हमारे विद्यालय की सीनियर शिक्षिका श्री श्यामा त्रिवेदी जी को बोलेंगे कि वो उनका सम्मान करें। संघ से जुड़ा हुआ विद्यालय है और लीलावती हॉस्पिटल हमारे यहाँ का कानपुर नगर का बहुत सम्मानित हॉस्पिटल है। उन्हीं की सेवा के तहत आज यहाँ पर बच्चों का निरीक्षण हो रहा है। पूरा स्वास्थ्य की चिंता के लिए सब लोग यहाँ एकत्र हैं और मानव कल्याण के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी को धन्यवाद और हृदय से आभार, और ईश्वर से यही कामना है कि ये बहुत अच्छा पुण्य का कार्य है जिसको हम लोग मिलकर करते हैं। प्रबंधन सरस्वती विद्या मंदिर दामोदर नगर, आज विद्यालय के अंदर हम लोग स्वास्थ्य शिविर लगाए हैं, जिसमें कि हमारे यहाँ लगभग 600 बच्चे हैं। सभी बच्चों के आँखों का परीक्षण होगा और मेडिकल चेकअप सारा होगा सभी बच्चों का, और जिनमें जो भी त्रुटियाँ होंगी या जो भी दिक्कतें आएगी कोशिश की जाएगी कि विद्यालय की तरफ से उनके अभिभावक को बुला के उनको बताया जाए और उन बच्चों का ठीक से बढ़िया से परीक्षण करा के उनके बारे में जो है जो भी हम लोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा उपचार कराने का इंतजाम करें। प्रधानाचार्य सरस्वती विद्यालय आज अपने विद्यालय में जैसा विद्यापति की अवधारणा कि यहाँ पढ़ने वाले सभी विद्यालयों का मानसिक आध्यात्मिक शारीरिक विकास हो, इस नाते अपने भैया बहनों के अंदर शारीरिक कहीं कोई कमी न रह जाए, इस नाते विद्यालय में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नाक, गला, कान और इसके साथ साथ उनका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सत्र में हम लोग दो बार इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो भैया बहन पढ़ते हैं वो मध्यम या मध्यम से नीचे आए वर्ग वाले हैं, स्वास्थ्य नहीं दिखवा पाते डॉक्टर के पास, तो हम लोग इस प्रकार का ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं यथासंभव विद्यालय से उनकी मदद। इसी के कक्षा द्वादश के छात्र सरस्वती विद्या मंदिर, आज हमारे स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, जिसमें हमारे नेत्रों की जांच हुई और भी जो
से भी हमारे हमारी शरीर में समस्याएं हैं, स्वास्थ्य को लेकर हमें जागरूक किया गया और समस्याओं का उपाय बताया गया। और हमारे स्कूल में समय समय पर ये शिविर और ये अच्छी चीज़ें हुआ करती थी।